भाई साहब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि गोरखनाथ मंदिर में भी फाउंटेन शो चलता है। अभी जस्ट मैं पार्किंग में पहुंचा हूं और अब चलते हैं फाउंटेन शो पहले देखने, उसके बाद कुछ काम। बड़ा ही अचंभित होके हमारे सामान को रखते हुए भाई साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, क्या चीज़ ये, तब से परेशान है उस चीज़ को देख के। चलिए अभी हम लोग चलते हैं फाउंटेन शो देखने के लिए। बेसिकली आप अगर यहाँ पे आते हैं तो उधर के तरफ में क्या है, महिलाओं की एंट्री है और इधर में जेंट्स की एंट्री है। मजा भी लगा अभी बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे मतलब चेकिंग किया गया। पहले आते हैं फाउंटेन शो खत्म करते हैं, उसके बाद घूमा जाएगा। फिर फाउंटेन पे लाइट सही से नहीं पड़ पा रहा है, जिस वजह से हम लोगों को कोई वीडियो देखने को नहीं मिल पा रहा है, कोई उस पर दृश्य नहीं बन पा रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी आ गए हैं जहाँ पे, तो आप चलते हैं मंदिर में, आराम से मतलब पूजा अर्चना हो जाता है हम लोगों का और उसके बाद में घर निकला जाएगा। खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं अब जो है ध्वनि प्रदूषण जो अगर मान लिया कोई था तो वो भी खत्म हो चुका है और संयोग देखिएगा लाइट भी आ चुका है, तो अब चीजें जो है पहले से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। अभी जो है चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। और बेसिकली ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है बिल्कुल से भी, ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई चीज़ें हैं, कई जिन चीज़ों को ना ही बोला जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो फिलहाल अभी जो है दर्शन हो गया बाबा का और यहाँ से हम लोगों ने बाबूत ले लिया है और अब जो है निकलते हैं रूम के लिए थोड़ा सा इधर उधर घूम के। पे ऐसा होता है ना कि जनवरी में बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला। तो मुझे यहाँ पे अभी आया हूँ जब मैं, तो श्रेया मैम को मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेले में वो जब आई थी तो सामने वाले ने बोला बंदे ने कि ये 10 रुपये का 3 है, तो श्रेया मैम कहीं 15 में 3 दे देंगे। एक्चुअली मैंने कुछ प्लास्टिक का दुकान देखा तो मैंने सोचा कि वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, मगर ये मैं देख रहा हूँ कि बाहर के अपेक्षा मंदिर के प्रांगण में कंपेरेटिवली वहाँ बाहर से यहाँ पे चीज़ें थोड़ा कॉस्टली पड़ रही हैं आपको। तो बस अब निकलते हैं बाहर और अगर वहाँ कुछ मिला तो मिला और नहीं तो अब ठंडी को झेलने के लिए हिम्मत जुटा ले रहा, क्योंकि अभी जब गीडा की तरफ निकलेंगे तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगने वाली है भाई साहब, क्योंकि मौसम हो चुका है। तो फिलहाल अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और मैंने मार्केट से ये लिया था, जो कि मतलब उस दिन हम लोग नौका बिहार में गए थे तो ये 150 रुपये का एक और 250 रुपये का जोड़ा मिल रहा था, तो ये अभी जो है मार्केट में मैं गया था जब महेश से मिलने, तो वहीं पे मैंने इसको ले लिया। काफ़ी सुंदर लग रहा है आप लोगों को। बात जो है ना वो भाई साहब बहुत जल्दीबाजी में हो रही है, एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया था मैं, ऐसा हो गया था कि नाश्ता वास्ता बनाना क्या मतलब खाना बनाने के सिस्टम में जो है थोड़ा सा लेट हो गया। 5 मिनट मेरे पास बचा है, अभी इसी 5 मिनट में मुझे राकेश को छोड़ना भी है ITM पे और उसके बाद निकलना है अपने कॉलेज।
तो ये अभी हम लोगों का बोर्ड रूम है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सब लोग एक साथ में बैठ जाते हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, और साथ ही में यहाँ पे हम लोग का मीटिंग चलता है। और अभी चलते हैं हम लोग फैकल्टी रूम में। ये वेटिंग लॉबी है, यहाँ पे बेसिकली जितने लोग आते हैं, गार्जियंस जितने आते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं। स्टूडेंट भी ऑब्वियसली वहीं बैठेंगे। और ये रहा फैकल्टी रूम। यहाँ पे क्या है कि सबको अलग अलग चैम्बर अलॉट कर दिया गया है, सबका अलग अलग एक एक अलमारी है। और ये एक कॉमन पीसी है बेसिकली, यहाँ तो सबके पास में लैपटॉप है, अपने लैपटॉप पे यूज़ करते हैं लोग। और ये एक कॉमन पीसी रख दिया गया कि बाय चांस किसी को कोई प्रॉब्लम पड़ रहा है तो इस पीसी का इस्तेमाल कर ले। ये रहा भाई साहब मेरा चैम्बर। और अंकुर सर कुछ खोज रहे हैं लग रहा है, क्या खोज रहे हैं सर? अच्छा ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि ये क्विक टूर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को अपने कॉलेज का, क्योंकि अभी हाल ही में एक लोगों ने कहा। ये बेसिकली हम लोग का पेंट्री एरिया यहाँ पे जो होता है, चाय हम लोग यहीं बनता है। पन्नेलाल जी कैसे हैं? ठीक ठाक है, चलिए बढ़िया। और अभी चलते हैं हम लोग डिप्लोमा सेकेंड ईयर के क्लासेस में। हमारे अंकुर सर का ऑफिस। पहले ये वाला रूम जो है गर्ल्स कॉमन रूम हुआ करता था, मगर अब जो है इसको बना दिया गया है फर्स्ट एड रूम। गर्ल्स कॉमन रूम अलग जगह पे अलॉट किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि पूरे बीआईटी के स्टूडेंट जितने भी हैं, बीआईपी के स्टूडेंट या बीआईटी के स्टूडेंट, वो सभी लोग लगभग यदि उनको कोई भी फर्स्ट एड चाहिए होता है तो यहाँ पे आ जाते हैं, मुलाकात कर लेते हैं आकाश सर से, ब्रिजमोहन सर से और सपना मैम से। और अभी फिलहाल चलते हैं मेरे फेवरेट एचएपी लैब में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब यहाँ पे इंसानी शरीर के बारे में लगभग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। टूर हो गया मेरे कॉलेज का, मतलब जो बेसिक चीज़ें थी उनको मैंने बता दिया है। अब जो है चलते हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि 12:05 से मेरा लेक्चर। तो अभी क्या है कि लगभग आप लोगों को मैंने हर एक क्लासरूम दिखा दिया, हर एक लैब दिखा दिया। अब आप लोगों को दिखाते हैं, या कहते हैं मिलवाते हैं अपने नए स्टूडेंट से। और ये रहे हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। एक शानदार मीटिंग हुआ, अभी सारे स्टाफ मेंबर का जितने भी लोग थे सभी लोग लगभग मिले। तो आज हम लोग के मतलब जो मेन यहाँ के चेयरमैन हैं उनसे भी मुलाकात हुआ हम लोगों का। एक मिनट अब लाइट जला देते हैं। और अभी जो है देख रहा हूँ मैं, जैसा कि देख पा रहा हूँ, रविंद्र सर सबसे तेज़ी में हैं और सबसे आगे जा रहे हैं। तो बस शाम हो चुका है, अब निकलते हैं घर पर। फिलहाल अभी ऐसा हो रहा है कि अभिषेक सर के दुकान पे आ चुका हूँ, फ़ोटो मैंने दिया था निकालने के लिए। तो कई दिन से ये भी प्लान बन रहा था कि उसको निकलवा लिया जाए, बट निकल नहीं पा रहा ये वाला फ़ोटो। तो फिलहाल भाई साहब ऐसा है ना कि मतलब मैंने आज जो है सोचा था कि बनाऊँ क्या, क्या ही बनाऊँ। तो बहुत सोचने के बाद में मुझे मन किया कि मेरा फेवरेट जो है, मेरा फेवरेट जिसको मैं भूल गया था, मतलब हनुमान जी वाला सिस्टम हो गया था कि उनके पास इतना पावर था वो कुछ भी कर सकते थे, मगर याद नहीं रहता था। समय आने पे जब कोई याद दिलाता था तो याद आता था। तो ठीक उसी तरीके से मेरा फेवरेट चीज़ जो है वो भी मैं भूल गया था यहाँ पे आके इस दिन, इस ज़िंदगी को जीते हुए। ठीक है, तो अभी क्या है, एकाएक से राकेश ने कहा कि भैया एक काम करते हैं, तहरी बनाते हैं। हम कह रही तहरी, बस आज जो है बहुत ही शानदार बना है, मतलब आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पे, मतलब जो ये मेरी आंखें जिस कलर को देख पा रही हैं उस कलर को आई थिंक अभी आपकी आंखें नहीं देख पा रही। और